बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम सरफेस लिमिटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है, सिंगल वर्क प्लेन। इसको आप ज़ीरो पे प्लेस करेंगे, ज़ीरो, एंटर। इसके बाद आप सरफेस के अंदर जाके एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इस प्लेन को भी आप ज़ीरो के ऊपर प्लेस कर देंगे। इस प्लेन की आप लेंथ और विड्थ 50 और 50 रखेंगे, ओके कर दें। इसके बाद आप सरफेस प्रिमिटिव में से टोरस सिलेक्ट करेंगे और इसको भी ज़ीरो पे प्लेस कर देंगे। इसको ज़ीरो पे प्लेस करने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका जो मेजर डाया है उसको आप 15 रखेंगे और माइनर डाया को आप 5 कर देंगे, ओके करें। इसके बाद आप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन, जो हमारी एक टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे और टोरस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्लेन के लिहाज से हमारा टोरस ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। तो इस तरह हम सरफेसेस को भी ट्रिम कर सकते हैं इजीली। इसके बाद आप नेक्स्ट सॉल्यूशन इसके ऊपर क्लिक करें तो इसमें हमें ये एक दूसरी शक्ल दिखा रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर अगर आप नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे उसने एक हमें दूसरी शक्ल दिखा दी। फिर अगर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पहली ही शक्ल वापस मिल गई। अब आप इसको कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद आप इसको अंडू करें। अब हम यहाँ पर हमने जो वर्क प्लेन प्लेस किया है, इस वर्क प्लेन की मदद से भी हम इस सरफेस को ट्रिम करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन और इसके बाद आप टोरस की जो नीचे वाली साइड है इसको क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने वर्क प्लेन की मदद से भी ट्रिमिंग करवा ली। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है कीप बोथ, वो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। उसमें हम किसी भी सरफेस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम वर्क प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कीप बोथ, इसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर क्लिक करें। तो ऐसा करने से हमारी सरफेस ट्रिम नहीं हुई, बहरहाल अलग अलग हो चुकी है। ये देखें, ये पहले एक जान थी, अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। ऊपर वाली सरफेस अलग है और नीचे वाली सरफेस अलग है। तो इस तरह हम सरफेसेस को ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सारे को ख़त्म करेंगे और एक नया आप सरफेस के अंदर जाके एक प्लेन इंसर्ट करेंगे ज़ीरो के ऊपर, और इसमें आप इसकी जो एक्स डायरेक्शन है उसको 75 रखेंगे और जो वाई डायरेक्शन में इसकी लंबाई है उसको आप 50 कर देंगे। इसके बाद आप एक सिलेंडर क्रिएट करेंगे जिसकी जो डाइमेंशंस हैं और जिसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो है 25 स्पेस 50 स्पेस -10। तो एक हमने सिलेंडर यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसका रेडियस 5 रखना है और लेंथ इसकी हमने 20 कर देनी है। इसी तरह आप यहाँ पर एक कोन सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो -25 -15 और -10 है। आप इसको एंटर करें प्लेस करके। उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके हम इसको मॉडिफाई करते हैं। इसका जो टॉप रेडियस है हमारे पास वो 2.5 है और जो हमारे पास इसका बेस रेडियस है वो 5 है। लेंथ इसकी हम 20 रख देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर कोन भी इंसर्ट कर दी। अब आप इसके बाद प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट के अंदर जाकर सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप
फ्रंट व्यू जो है इसको सामने लेकर आएंगे, और सिलेक्शन की मदद से आप ऊपर वाले दो सिलेंडर और एक कोन जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी ऑटोमेटिक जो है वो ट्रिमिंग होगी, जो हमारे सिलेंडर का प्लेन से नीचे वाला हिस्सा था वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोन जो है इसका नीचे वाला हिस्सा सेफ रहता और जो ऊपर वाला हिस्सा था ये ट्रिम हो जाता, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट सरफेस में तब्दील कर दें। फिर उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सरफेस ट्रिमिंग रीजन एडिटिंग इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल बाउंड्रीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट ऑल बाउंड्रीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिवर्स द बाउंड्रीज़ इसको दबा दें और इसको कैंसिल कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से हमारा जो नीचे वाला हिस्सा था वो सेफ हो गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था कोन का वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। तो इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शन इस्तेमाल करके आप सरफेस लिमिटिंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब आप सरफेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप एक स्फेयर सेलेक्ट करेंगे और इसको ज़ीरो पे प्लेस कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए और इसका रेडियस हम 30 रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम स्केल की कमांड इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म सेलेक्ट करके एक्स के अंदर और वाई के अंदर और जी के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ फीड करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले हम एक्स के अंदर इसकी वैल्यू देंगे 1.6667, और उसके बाद हम वाई के अंदर 0.66667, और उसके बाद हम जी के अंदर 0.75 करके इसको ओके करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वॉलीबॉल का एक गेंद सा बन गया है। इसके बाद आप फिर से सरफेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप कोन क्रिएट करेंगे और इसको आप यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जी सेलेक्ट करने के बाद ज़ीरो पे प्लेस कर देंगे, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसका जो टॉप रेडियस है वो 10 रखेंगे और जो इसका बेस रेडियस है वो आप 20 रखेंगे, लेंथ इसकी आप 40 करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से मैं इसका प्लेन शेड ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आप इस जो हमारा टोरस था, जो हमारा स्फीयर था, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद, बल्कि आप इन सारे के सारी सरफेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप इंटरसेक्शन कर्व इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और सेकंड जो सिलेक्शन है वो हमारी हम इस जो सिलेंडर था इसको रख लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारी ये जो हमारा सफ़ेयर और सिलेंडर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ वहाँ पे एक लाइन जो है वो बन गई है, जिसको हम कंपोजिट कर्व के नाम से जानते हैं। अब आप इस कंपोजिट कर्व को सिलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जाकर सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐसा करने से जो हमारा इस जो हमारी सिलेंडर कोन था इसका जो नीचे वाला हिस्सा इस हमारे स्फीयर के अंदर पेनिट्रेटेड था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो इस तरह हम जो सरफेस ट्रिमिंग जो है इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हमने सीखे। हम प्लेन के ज़रिए कैसे ट्रिम कर सकते हैं, फिर हम कंपोजिट कर्व के ज़रिए कैसे ट्रिम कर सकते हैं, फिर तीसरा हमने यह सीखा कि हम वर्क प्लेन के थ्रू किसी भी सरफेस को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिमिंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर आज इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।